गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. नाउ टुडे इंग्लिश पीरियड आर देयर. राइट डाउन डेट कॉर्नर ऑन द पेज 4/2/2021 सी डॉट डब्ल्यू डॉट. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक वॉवेल. वॉवेल. सो अवर वॉवेल इज ए ई आई ओ यू. ये वॉवेल्स आपको लर्न करना है पेज पर लिख कर. ए इस तरह से ए ई आई ओ यू वॉवेल्स. ये पूरे पेज भर कर आपको लिखना है. और सेम थिंग आपको क्या करना है यहाँ पर होमवर्क के पेज पर भी लिखना है. ए ई आई ओ यू वॉवेल. ए ई आई ओ यू वॉवेल. इसका ये लर्न होने के बाद ये वॉवेल्स का यूज़ किस तरह से करते हैं वो हमें देखना है. वॉवेल्स का यूज़ हम करेंगे. सो सी डॉट डब्ल्यू डॉट क्लास वर्क. नाउ पुट योर हेडिंग वॉवेल. कौन कौन से वॉवेल अपने ब्रैकेट में लिखो. ए ई आई ओ यू वॉवेल. नाउ फर्स्ट मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर. ए डबल पी एल ई एप्पल. एप्पल का ये जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है. वॉवेल है ना. सो इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे एन एप्पल. अपना टॉपिक है ए और एन लगाना. समझ में आया. सो एन एप्पल. अभी देख मैं दूसरा वर्ड्स में यहाँ पर लेती हूँ. अभी मैं लूँगी को एट कैट. कैट के लिए मैं क्या लगाऊँगी यहाँ पर. ये वॉवेल है क्या फर्स्ट लेटर. नो ये वॉवेल नहीं है तो मैं ए लिखूँगी. अभी मैं थर्ड लेटर पर लूँगी आई सी ई आइस क्रीम. आइस क्रीम. आइस क्रीम का आई क्या है. वॉवेल है ना. सो आइसक्रीम का आई जो वॉवेल है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊँगी फ्रंट में एन आइसक्रीम. एन आइसक्रीम. नाउ फोर्थ. अभी मैंने यहाँ पर क्या लेना है फोर्थ वर्ड ब ए ट बैट. और मैं यहाँ पर क्या करूँगी अभी उसको फर्स्ट लेटर देखूँ क्या है. ब का बी बैट का फर्स्ट लेटर बी. बी वॉवेल है क्या. नहीं इट इज़ एन इट इज़ अ कंसोनेंट. सो मैं क्या लगाऊँगी बी के आगे ए अ बैट. नाउ फिफ्थ लेटर में लेती हूँ वर्ड यू टेन सिल. सो ये यू क्या है. वॉवेल है ना. सी वॉवेल इज योर. सो यूटेंसिल के आगे भी मैं क्या लिखूँगी एन. एन यूटेंसिल. जितनी भी चीज़ें फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट होती है जितने भी वर्ड्स उतने में क्या लगाना है एन. एन एप्पल एन आइसक्रीम एन यूटेंसिल. नाउ सिक्स वन एंट. एंट में भी ए क्या है. वॉवेल है तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पर एन. अगर वॉवेल नहीं हो तो ए लगाओ. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क प कप. कप का सी वॉवेल है. नो सो राइट योर ए. नाउ नेक्स्ट लेटर आई एम गोइंग टू टेक दैट आउल. ओ यू एल आउल. आउल का ओ वॉवेल है. सो राइट इन फ्रंट ऑफ आउल एंड आउल.
Hope you all are understand this vowel. Same thing you have to do on your homework page. Okay, children. Bye.